जाने जिगर, वाह वाह वाह, ओ जाने जिगर ले गई मन। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आज का ब्लॉग ये है कि एक मतलब गांव के हैं, वो गाना वगैरह गाते हैं, उनको सिंगिंग बहुत रुचि है, तो आज उनसे एक गाना गवाएंगे और उनका चैनल भी मैंने बनाया है, तो आप लोग अभी मिलाते हैं थोड़ी देर बाद। तो जस्ट मैं अभी आ गया हूँ खेत में, तो खेत में क्या है कि सिंचाई का काम हो रहा है, मतलब सिंचाई हो रहा है खेत में गेहूँ में, तो वही भाई चला रहे हैं जो मेरा काम करते हैं हमेशा। तो आज हम लोग नहीं हैं क्योंकि आज रख लिए हैं इनको काम करने के लिए, और उस वक्त तो वो मिल नहीं रहे थे, तो इसी के लिए वो काम हम लोग को करना पड़ा। तो अभी वो काम कर रहे हैं, सुबह मशीन वशीन लगा के पूरा सेटअप कर दिए हैं। वाह भाई वाह, क्या बत्तख दिख रहे हैं सब। देखिए काम भी कर रहे हैं ना, उसके बाद भी सारे सब कुछ पानी पीने के लिए आ गए हैं। जब हमेशा जब पानी चलाया जाता है खेतों में तो ये बत्तख हमेशा आ ही जाते हैं। बत्तख हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं, बत्तख कहते हैं? अच्छा बकुला गाइस, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा थी, इसको उनको कहते हैं बकुला। तो गाइस ये बकुले हैं, तो जब पानी वगैरह चलता है खेतों में तो ये अपने आप आ जाते हैं। नहीं हाँ, क्या क्या, अच्छा कीड़ा वगैरह पानी नहीं पीते हैं? इतने कीड़े रहते हैं। अच्छा बारिश की ना, जब पानी इसमें चलाया जाता है तो सब कीड़े जो ऊपर आ जाते हैं भीगने से, उसके बाद वो सब खाते हैं इसको। हैं ये बात सही यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा था इतने दिन से कि क्या खाते हैं ये लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब सही बात है भाई, देखो यही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे तभी पता चलता है। कितना मतलब इतना पूरा हो चुका है, अभी कितना टाइम लगेगा? एक घंटे लगेंगे, एक से डेढ़ घंटा लग सकता है ना, डेढ़ घंटा मान के चलिए लग सकता है गाइस। और ये खेत में बेसिकली क्या है कि गेहूं बोया गया है, और उस वाले में खेत में अंकल लोग का खेत है वो, और भाई अभी ये चला रहे हैं। तो आपसे मिलाते हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, गांव के हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल मैंने बना दिया है। तो मेरे पास टाइम मिला तो वो बोले कि कुछ और भी हमको इसमें बता दीजिए, मैं कहे ठीक है अभी टाइम है आता हूँ आपके पास। इधर देखिए दादाजी सोए हुए हैं, पूरे बहुत ही गहन निद्रा में हैं, और इस बार यहाँ से पानी चला रहे हैं दूसरे के घर से, तो वहाँ से पानी आया है, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा फीता बिछाया गया है जो। तो गाइस पहुँच चुके हैं भैया के घर, जो बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं, तो वे बाहर वेट कर रहे हैं। देखिए तो गाइस ये रहे, देखिए आप लोगों से मिलाता हूँ अभी, थोड़ा पहले इनका काम कर देते हैं, बैठिए। हाँ तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, तो अभी करीब हमको हो गया एक घंटा बैठे हुए यहाँ पे। तो भैया का कुछ सेटअप करना था म्यूजिक के लिए, जो गाना ये गाते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये रहे भैया, अब भैया अपना नाम बताइए, आप पूरा परिचय दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम हरी सिंह है, थोड़ा तेज बोलिए। पोस्ट फनोरा बुजुर्ग जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। बताइए बताइए बताइए, बोलिए क्या बोलिए बताइए। मतलब हम ही पूछ रहे हैं आपसे, मतलब आपको ये कब से, मतलब गाना गाने में कब से आपको रुचि है? गाना गाने का शौक तो बचपन से ही है, मैं कुमार सानू का गाना सुना करता था। अच्छा, तो उनकी आवाज में एक अजब सी फीलिंग होती थी, तो उसको सुन के मजा आता था, तो उस चीज को हम भी गुनगुनाते थे। तो बचपन से ही गाना गाने का शौक लगा रहता है जी, जी। अभी भी हल्का फुल्का कभी कभी गुनगुना लेते हैं, और स्टार में अगर वगैरह पे थोड़ा बहुत गाते भी हैं जी, जी, जी। तो इस तरह से मतलब उनको सुन करके हमको जो है गाना गाने का शौक लगा था। इसका मतलब आप मतलब आपके अंदर बचपन से कीड़ा था गाने का? जी जी, बचपन से ही। लेकिन वो कीड़ा अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि उसमें एक अजब आनंद आता है गाने को जब सुनता हूँ। कुमार सानू जी गाने को, 90s की गाने को, तो अजब सा उसमें फोन करके फीलिंग होता है और मजा आता है गाने का। अच्छा मतलब आप मतलब उस तरफ आपका रुख मुड़ रहा था, लेकिन मतलब पारिवारिक कारण की वजह से आप नहीं, तभी जैसे जब आप बता रहे हैं कि बचपन से आपको कीड़ा था गाने के लिए। हाँ। तो अगर जो आप बचपन से मतलब आप अभी भी गाए होते तो कहीं ना कहीं रहते जरूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं शादी होती में बैंड पे गाता भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर बीच में। अच्छा आप बैंड पे गाना गाए हैं? बैंड पे गाना गाए हैं थोड़ा। उसका मतलब भाई आप पक्के वाले थे गाना गाने के लिए एकदम, लेकिन वही मैंने आपसे बताया कि कुछ प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। मैंने सोचा कि मैं कहीं गा नहीं पा रहा हूँ, तो आजकल के मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा गा करके अपना शौक पूरा किया जाए मोबाइल के माध्यम से।
इस हिसाब से। नहीं नहीं सही, देखिए अगर आप मतलब अगर जो आप तो आपको मतलब किसी काम में रुचि है तो ठीक है, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो भाई अलग बात है, पैसे तो आप कभी भी कमा सकते हैं, पैसे सारे कमा रहे हैं, आप भी कुछ करके कमा रहे हैं पैसा, हम भी कुछ करके पैसा कमा रहे हैं, होता है ना शौक, होता है शौक होता है, तो शौक के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अब भैया का मैंने चैनल बना दिया, लगभग 20-25 दिन पहले बनाया आपका चैनल, तो अभी कई सारी चीज उसमें इनको मतलब बताना है शॉर्ट की, जिससे वीडियो वायरल का जो एक माध्यम होता है उसमें ट्रेंडिंग वर्ड रहते हैं। और बाकी काम हो गया तो ये भैया कुछ इसमें डिवाइस था तो कुछ इनका ये सही करना था, और अभी आपको थोड़ी देर में इनका गाना आपको सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं भैया, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हाँ तो गाइस मैं इनको मतलब लेके चला आया बाहर खेतों की तरफ, इधर देख सकते हैं कि सूर्य भगवान भी अपना जा रहे हैं अंदर, और देखिए भैया को मैंने बुला लिया है यहाँ पे क्योंकि शांत माहौल है यहाँ पे। भैया आपको अभी कुछ गुनगुना के सुनाएंगे, तो भैया चलिए आप कुछ गुनगुनाइए अभी आप। तो चलिए भैया स्टार्ट करिए, आप कौन सा गाना गाएंगे आप? ओ जाने जिगर, चलिए गाइए दो लाइन गुनगुनाइए। ओ जाने जिगर, वाह वाह वाह। ओ जाने जिगर ले गई मन ने करार करारे नजर, मान जा दिलबर, मान जा दिलबर, ओ जाने जिगर, ओ जाने जिगर ले गई मन ने करार करारी नजर, मान जा दिलबर, मान जा दिलबर। तो बहुत बढ़िया भैया आपने गाना गाया, और आप एक आध गाना और कोई गाना चाहेंगे जो आपको बहुत ही आपका फेवरेट हो? क्यों नहीं गाइए। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझ रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझ रोज जरा सा, कुरकुर कागज जिन पे बेकस, कुरकुर कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ताली बजाता लेकिन एक हाथ से फोन पकड़ा है, नहीं तो ताली हम बजाते। तो बहुत ही बढ़िया आपने गाना गाया, बहुत ही बढ़िया। और आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब इस मेरे ब्लॉग के माध्यम से, कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को, कुछ कुछ भी आप जो भी आपके माइंड में चल रहा है यहाँ पर, मतलब निसंकोच होके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं धैर्य पाठक जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ब्लॉग में मुझे शामिल किया। मेरा चैनल है, क्या नाम चल रहा है, गोरेपुरिया कुमार, कुमार फानू टू जी, धैर्य पाठक जी ने बनाया है जी, और उनके माध्यम से जो है हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें। तो गाइस आप लोगों ने सुना भैया का गाना, तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा इनका गाना, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भैया भैया का चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, कीप वॉचिंग। हाँ तो गाइस ये देखिए खेत में पूरा पानी चल चुका है अभी, तो भाई ने पूरा पानी चला दिया खेत में, तो अभी चलते हैं मोटर को लाते हैं फिर घर पे ले जाएंगे, क्योंकि काम अभी है नहीं।